press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. My thoughts on the song is that जब ये गाना मेरे पास आया था दानिश ने मुझे जो co-producer है उन्होंने गाना सुनाया था मुझे तो मुझे गाना बहुत ही अच्छा लगा था क्योंकि मैंने इस तरह का गाना अभी तक डायरेक्ट नहीं किया है और पंजाबी हिप हॉप हिंदी इस तरह का गाना जब मेरे पास आया तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मुझे इसका लिरिक्स बिल्कुल समझ में नहीं आए थे बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड पंजाबी टू मच तो मैंने दानिश से ये पूछा कि इसका मतलब मुझे समझाओ मतलब समझने के बाद मैंने सोचा इसका क्या कॉन्सेप्ट बना जाए देन वी डिसाइडेड टू कीप इट वेरी इंटरनेशनल हमने सोचा कि इस गाने को थोड़ा इंटरनेशनल फील रखें और अगर आप देखेंगे गाना बिल्कुल हिंदी और पंजाबी लिरिकली है लेकिन इसका जो वीडियो शूट हमने किया है वो बहुत ही इंटरनेशनल पैटर्न में नियॉन लाइट्स के साथ ब्लिंकर्स के साथ काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करी हैं जो इंटरनेशनल वीडियोज़ में यूज़ होती हैं और हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो भी हैं यहाँ के लेकिन लग इंटरनेशनल रहे हैं तो हमने ये भी ध्यान दिया कि ऐसे ही एक्टर्स को लें जो इंटरनेशनल लगें और मेरे को उम्मीद है कि ये गाना इंडिया में और इंटरनेशनली भी चले मुझे पहली बार तो बहुत मज़ा आया मैंने जैसे ही पहली बार ये गाना सुना मतलब मेरे जुबान पे था वो मतलब यू नो कोई गाने ऐसे रहते हैं जो बहुत ही पैपी होते हैं और आपको बहुत मज़ा आता है वो सुनने में आई एम श्योर दिस इज़ वन ऑफ दोज सॉन्ग्स और आई रियली लाइक द वे हाउ असलम सर हैज़ शॉट द सॉन्ग इट्स रियली नाइस एंड इट लुक्स वेरी इंटरनेशनल इट हैज़ अ वेरी हिप हॉप वाइब एंड जय हैज़ कोरियोग्राफ्ड beautifully Vin is looking amazing in it and I just love everything about the song so I think she is looking the best that's why she's talking about everybody but she's not talking about herself right. so that's why thank you so much yeah Vin yeah well it's been a great experience the and the song the what to say I'm just loving this song ki maine pura gana abhi suna hai aur you know shooting ke dauran jab hum shoot kar rahe the us waqt bhi bahut maza aa raha tha असलम एंजेलिना पूरी टीम इतने सपोर्टिव थे सब लोग बहुत मज़ा आया शूट करने में पता भी नहीं चला अभी कैसे हमने 12-14 घंटे शूट किया पता भी नहीं चला और स्पेशली वो जो हुक स्टेप है ना उसका फिट्टे वो आई लव दैट हुक स्टेप और एंड आई एम श्योर इट्स गोना बी अ बिग हिट जब दानिश ये सॉन्ग हमारे पास लेके आया तो तब हम प्लानिंग ही कर रहे थे कि हमें अपने प्रोडक्शन के साथ एक ऐसा सॉन्ग बना रहे हैं कि सब लोग उसको याद करें जो मेरे दूसरे पार्टनर है प्रीतेश उसने बोला सॉन्ग वॉज अमेजिंग एक बार सुन के देखो अच्छा लगेगा तो जब हमने फिट्टे मुंह सॉन्ग सुना और उसका सिग्नेचर स्टैप इट वॉज अमेजिंग सो आई थिंकिंग कि ये सॉन्ग बहुत अच्छा जाएगा और हमारे प्रोडक्शन इसी तरह सॉन्ग के सॉन्ग बनाते रहेगा दानिश या ये एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा सारी टीम एक्सपीरियंस टीम और दे नो देयर जॉब व्हाट दे आर डूइंग एक्चुअली This song is very close to me because from the scratch I have worked on this project and time jaise hi hota gaya to sare judte gaye and I was very lucky I got you know, good producers good artists good music directors good director Aslam he has done amazingly great job and I'm looking forward ki ye gana super usse bhi kahin duper hit hoga because दिस इज़ द फीलिंग एंड कल आप लोग ये सब देखेंगे 12 बजे जी टी वी पे यूट्यूब चैनल जी तो जी म्यूज़िक या तो दैट्स इट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट एंड थैंक यू वेरी मच यस यस प्लीज असलम हाउ डिड यू ज़ीरो इन ऑन द कास्ट वेल या आई मीन हम लोग काफ़ी टाइम से डिसाइड कर रहे थे किसको लें सो व्हेन विंस प्रोफाइल केम एंड एंजीज प्रोफाइल केम आई थिंक ऐसे दो फेसेस दिखे जो इंटरनेशनल मार्केट में मैं बार बार इंटरनेशनल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है बोलते हुए क्योंकि अभी तक सारे गाने मेरे सिर्फ नेशनल मार्केट में ही चले तो चाहता हूँ कि इंटरनेशनल में भी कुछ चले तो लाइक यू नो इफ यू लुक एट बोथ ऑफ देम एक्चुअली दे डू लुक लाइक गाइज फ्रॉम लाइक यू नो नॉट इंडिया सो दैट्स अ गुड थिंग फॉर अस और अब इसके बाद हम लोग कुछ इंग्लिश गाना भी प्लान कर रहे हैं इन दोनों के साथ नाम थोड़ा बदल जाएगा मेरे ख्याल से उसका सो फिट्टे फेस होगा उसका नाम मुंह की जगह फिट्टे फेस थैंक यू हाय दिस इज़ डी एच हारमोनी म्यूजिक कंपोजर ऑफ फिट्टे मो और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और ये बहुत कॉम्प्लिकेट था जैसे राइटर ने बोलता है कि उन्होंने फिट्टे मुंह का मतलब ये होता है दूर फिट्टे मुंह एक स्लैंग है पंजाब में तो उसको हम लोग एज ए सॉन्ग बनाना था
तो इट वाज नॉट सो इजी कि पूरा एक देसी फिट्टे मुँह कैसे बनाएं। तो आप अगर गाना सुने होंगे, देखे होंगे, देयर इज सो मैनी अंतराज एंड ब्रिजेस कि कोई किसी से मैच नहीं होता। तो फिर हम लोग को सिंगर भी ऐसा लेना था, पूजा संधु नायक लिखे हैं इसका राइटिंग, और फिर सिंगर वर्सेटाइल लेना था क्योंकि देयर इज सो मैनी थिंग कि मेलोडी भी है, आप सुने अभी देखे, सो स्वीटी सो प्रीटी, वेस्टर्न एंड बोथ, रैपर पार्ट भी है लड़की के लिए, मेलोडी भी है। तो इट वाज ग्रेट टू एग्जीक्यूट दिस थिंग। फिर दानिश भाई और हम मिले तो मैंने उनको सुनाया कि ये फिट्टे मुँह आप सुनिए, देखो, तो बोले यार दिस इज साउंडिंग ग्रेट। फिर प्रीतेश भाई जो प्रोड्यूसर हैं वो भी बोले कि रियली ये डिफरेंट है क्योंकि अभी तक तो फिट्टे मुँह नहीं आया है। तो होल टीम बहुत अच्छा काम की है, हमारा म्यूजिक टीम, जो वीडियो टीम तो पूरा किया, असलम भाई, जय भाई, एनजी, भीन, दानिश, एवरीबॉडी हैज़ डॉन ट्रेमेंडस वर्क। लेकिन हमारे म्यूजिक टीम को मैं नहीं भूलूंगा क्योंकि ज्योतिका टांगरी एंड इंस्पेक्टर दे हैव रॉक्ड। फिर मेरे म्यूजिक टीम अपना माफिया बीट्स हो, उत्पल दा हो एंड राइटर पूजा संधु नायक हो, ऑल हैव डॉन हार्ड वर्क। इसमें पहली बार हम लोग 10 अंतरा हम लोग लिखवाए थे, देन हम लोग अलग अलग यूज किए, देखेंगे अब कोई अंतरा रिपीट नहीं होते, गाना सुनेंगे तो काफ़ी इसमें चेंजओवर है। तो इट वाज सो चैलेंजिंग एंड एक्साइटिंग, तो बहुत मज़ा आया, लेकिन होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा।